क्लास 7 एक्सरसाइज है 1B। पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पहला रूल है टू ऐड टू एनी इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें, वही ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड असाइन प्लस साइन टू द सम। अगर हम मान लो कोई दो इंटीजर रहने हैं प्लस साइन वाले, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, तो हमें पता है 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5, वो भी प्लस साइन का ही आंसर देगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड रूल है, अगर हम दो इंटीजर नेगेटिव लाएं तो वो हमें सेम साइन के -2 जैसे -3, तो हमें साइन नेगेटिव ही देगा -5, ठीक है। उसी तरह टू ऐड द नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करें, ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, जिसका साइन बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 में मैं +3 करूँ तो आंसर हमें 1 का मिलेगा, क्योंकि +3 के पास साइन कौन सा प्लस वाला बड़े के पास है, 3 के पास। इसी तरह ये चेक करना कि कौन सा साइन आएगा, ठीक है। अगर एलिमेंट बड़ा प्लस वाला 3 है तो नेगेटिव वाला -2 है तो +1 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर -3 होता तो प्लस का 2 होता तो -1 आ जाना था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया एड गिवन इंटीजर 1 2 0 नो प्लस 1 1 0, 9 को ऐड किया तो कितना आंसर आया 2 3 1 8। मतलब देखो दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब देखो -71 + 88 है, अब 88 बड़ा है मतलब कि 71 छोटा है, मतलब 71 माइनस कर देना, पर साइन कौन सा ना प्लस का बड़े वाले का, ठीक है। ये हमारी तीसरा रूल होल्ड कर रहा है इस पर, ठीक है, वो चेक करना। इसी तरह प्रॉपर्टी है एडिशन की, एडिशन की प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होगी इसमें, इंटीजर में अगर दो हम कोई इंटीजर लें ए और बी, अब दोनों को ऐड करके देखो, वो हमें पता है इंटीजर ही देगा। इंटीजर कौन से होते हैं, -1 -2 0 1 2 3 4 up to 7, ठीक है, ये सारे इंटीजर ही हैं। कोई भी दो इंटीजर ले लो, पता ही हमें इंटीजर ही देंगे वापस, ठीक है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो एडिशन में होल्ड करती कि नहीं। अब 7 और 5 दो इंटीजर ले लिया मैंने, ठीक है, ए ले लिया 7, बी ले लिया 5, तो ए प्लस बी देखो 12 आ गया, तो बी प्लस ए करके भी देख लो वो भी 12 आएगा, मतलब दोनों आंसर भी सेम आए और बने भी इंटीजर, ठीक है। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, दूसरी तरफ ए प्लस फिर बी प्लस सी ब्रैकेट में, मतलब पहले दो नंबर को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में रखना, दूसरी तरफ दूसरे नंबर को ब्रैकेट में रखना, ठीक है। दोनों का आंसर चेक करके देखना सेम आता तो ये होल्ड करेगी, क्योंकि हमें पता कोई भी 3 नंबर ले लो इंटीजर तो हमें अगेन इंटीजर ही वापस मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0 ऐड करके देखो किसी भी इंटीजर में, हमें आंसर इंटीजर ही वापस मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 में 0 ऐड करके देखो 2, अगर 0 में 2 ऐड करके देखो तो भी 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, ठीक है। इसी तरह सक्सेसर ऑफ प्रेडिसेसर, सक्सेसर क्या होता है, हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करें मतलब अगले वाला, फॉर एग्जांपल 2 का सक्सेसर क्या होगा 3, ठीक है, 5 का सक्सेसर क्या होगा 6, ठीक है। इसी तरह चेक करना सक्सेसर, और प्रेडिसेसर उसके पीछे वाला होता है, ठीक है। प्रेडिसेसर फॉर एग्जांपल 4 का प्रेडिसेसर क्या आएगा 3, 3 का प्रेडिसेसर 2, उसके पीछे वाला एलिमेंट या नंबर कोई भी डिजिट क्या आएगा, ठीक है। 12 का प्रेडिसेसर 11 आ गया, इसी तरह चेक करना, ठीक है।